Dear students, we are going to start chapter number 5 today, that is organizing. Hope you all are fine. As I told you before also, from chapter number 4 to chapter number 8, they all are interrelated chapters. For example, planning, organizing, staffing, directing and controlling. These all 5 chapters are interrelated chapters. And these all are also known as the 5 functions of management. And these all are the 5 chapters of business studies. As I told you, और मैंने आपको पढ़ा भी चुका हूँ chapter number 4, वो है planning. जब हम planning की बात करते हैं तो आपको मालूम चल चुका है, मैं पढ़ा चुका हूँ chapter 4 कि planning हम क्यों करते हैं, planning क्यों जरूरी होता है. अगर हमें कोई भी target achieve करना है, किसी goal को achieve करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहला चीज क्या करना चाहिए, planning करनी चाहिए. और हमारा प्लानिंग बेस्ट है, प्लानिंग हमने सही तरीके से किया है तो हम इजीली गोल को अचीव कर सकते हैं. ये मैं आपको चैप्टर 4 में पढ़ा चुका हूँ, क्या लिमिटेशंस होती है प्लानिंग की, क्या इंपॉर्टेंस होती है प्लानिंग की, हम प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है, वो मैं आपको सारा चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ. हाँ, अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 में. जैसे कि मैंने आपको बताया प्लानिंग, प्लानिंग के बाद जो उसका नेक्स्ट स्टेप है वो है चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग. मैं आपसे चैप्टर 5 स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं, क्या हमने एक अच्छा प्लानिंग किया और प्लानिंग करने के बाद हम हाथ बांध कर बैठ गए तो क्या लगता है हमारा गोल अचीव हो जाएगा? नहीं. यानी कि अगर हमने प्लानिंग किया है, प्लानिंग के बाद, प्लानिंग करने के बाद हमें चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, यानी कि हमें चीजों को इकट्ठा करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, अगर हमें स्कूल में एक एनुअल फंक्शन को ऑर्गेनाइज करना है, एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, वो है एनुअल फंक्शन स्कूल में, तो हम क्या करते हैं उसके लिए, हम चीजों को इकट्ठा पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है. हमें स्टूडेंट्स चाहिए, हमें टीचर्स चाहिए, ओके. फिर हम गेस्ट को वेलकम करेंगे, हमें चीफ गेस्ट चाहिए उसके लिए, तो उन सबको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, सेपरेट करेंगे, फिर एक ग्रुपिंग करेंगे कि हाँ ये बच्चे अच्छे हैं डांस में, इनका एक ग्रुप बनाएंगे, ये बच्चे सिंगिंग में अच्छे, इनका एक ग्रुप बनाएंगे, ये बच्चे ड्रामा में अच्छे हैं, इनको एक ग्रुप बनाएंगे, उनके उस ग्रुप के ऊपर एक टीचर्स को अपॉइंट करेंगे. फिर हम रिफ्रेशमेंट देना, तो रिफ्रेशमेंट का एक टीम बनेगा, उसका एक ग्रुप बनाएंगे. और इस तरीके से हम क्या करेंगे, पूरा ऑर्गेनाइज करके एक दिन हम डेट सेलेक्ट करके हम पूरा पूरा एनुअल फंक्शन शो करेंगे. तो सेम वही, आइए हम देखते हैं जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया वही पूरा पूरा आपको डेफिनेशन में मिलेगा. देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग इट कैन बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज एंड ब्रिंगिंग देम टुगेदर आर कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग. सबसे पहले हम क्या करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में, मैंने आपको बताया था आइडेंटिफाइंग. सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, यानी चीजों को इकट्ठा करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, तो ग्रुपिंग करते हैं, चीजों को एक साथ लेकर आते हैं. फिर हम ग्रुपिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, ब्रिंग देम टुगेदर, चीजों को एक साथ लेकर आते हैं. ओके, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. इस तरीके से अगर हम बिजनेस की बात करूं, और मान लीजिए मुझे एक कोई भी एक प्रोडक्ट बनाना, मुझे एक डेटोल का साबुन बनाना है, ओके, तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा. प्लानिंग मैंने किया, यस, प्लानिंग क्या था मेरा, मुझे डेटोल का साबुन बनाना है, ओके. अब उसके लिए अब मैं ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करूंगा, यानी चीजें, अब मुझे उस डेटोल के साबुन को बनाने में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, ओके. मुझे मशीन चाहिए, मुझे लेबर्स चाहिए, फिर मुझे उसमें जो जो इसमें जो मटेरियल रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल चाहिए, सबको इकट्ठा करूंगा. उसके बाद फिर एक प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, फिर मेरे एक साबुन बनेगा, ओके. तो उसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग, इसी कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग. ओके, नाउ मुझे लगता है कि आप लोग ऑर्गेनाइजिंग क्या है वो अच्छे से समझ गए होंगे. नेक्स्ट वी विल मूव टू द प्रोसेस. हम करते हैं प्रोसेस क्या होता है. जब भी हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो एक प्रोसेस के थ्रू करते हैं, प्रोसेस के थ्रू करते हैं. ऐसा नहीं होता है कि हमने फर्स्ट स्टेप किया और फिर लास्ट स्टेप में पहुंच गए, यानी बीच में जो मन चाहे सब कुछ कर दिया. नो, उसका एक स्टेप होता है, उसका एक प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजिंग करने का, चीजों को ऑर्गेनाइज करने का. हम स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज करते हैं. तो आइए हम उस स्टेप्स को जानते हैं, उस प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहला जो प्रोसेस है हमारा वो है आइडेंटिफाई एंड डिविजन ऑफ वर्क. सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें उस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी. जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, अगर एनुअल फंक्शन ही करना है तो हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें बच्चे चाहिए, हमें टीचर्स चाहिए, हमें पेरेंट्स चाहिए जो उस प्रोग्राम को देख सके, हमें हमें चीफ गेस्ट चाहिए, फिर हमें रिफ्रेशमेंट देना पड़ेगा. तो आइडेंटिफाई करके हमें क्या क्या चीज चाहिए,
उसे इसको डिवाइड करेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क डिवाइड करेंगे, हर काम को अलग 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 तरीके से बांटेंगे कि भाई ये काम आप करेंगे, इस काम को आप करेंगे, इस काम को आप करेंगे, ओके, इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे। हाँ, इससे होगा क्या? क्वेश्चन उठता है ना कि भाई आइडेंटिफाई और डिवीजन वर्क से होगा क्या? तो सिंपल सा है, इससे क्या हमारा बर्डन कम हो जाएगा, बर्डन कम, एक मैनेज का बर्डन कम हो जाएगा, क्यों? वर्क डिवाइड हो चुका है। दूसरा चीज क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, दूसरा चीज क्या है, स्पेशलाइजेशन आएगा, यानी जो भी काम हम करेंगे बहुत परफेक्ट तरीके से करेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं होगा। इससे हम क्या करते हैं, सबसे पहला प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफाई करना, डिवीजन ऑफ वर्क करना, इससे क्या होगा, बर्डन कम हो जाएगा, इजिली हम काम को बहुत बेस्ट वे में परफेक्शन के साथ कर सकते हैं। दूसरा है डिपार्टमेंटलाइजेशन। प्लीज जब मैं बोलता हूँ डिपार्टमेंटलाइजेशन तो आप दिमाग में पक्का याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रिपीटेटिव क्वेश्चंस है बोर्ड का, यानी बोर्ड में हर साल आने वाला जो क्वेश्चन है वो है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन और डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। दो डिपार्टमेंटलाइजेशन के दो टाइप्स हैं, ये वो क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल आता है। अब देखते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन होता क्या है, डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन होता क्या है, ओके, इसको आप समझने के लिए सबसे पहले जब हम बात करते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन की, तो आपके दिमाग में होना चाहिए वन प्रोडक्ट। जब भी मैं बात करता हूँ फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन की, तो आप अपने दिमाग में याद रख लीजिएगा, वन प्रोडक्ट। और जब मैं डिविजनल की बात करूंगा तो उसमें आप हमेशा याद रखिएगा मल्टी प्रोडक्ट। अब फंक्शन वन प्रोडक्ट होता क्या है, फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन होता क्या है, डिपार्टमेंटलाइजेशन हमने क्या किया था, आइडेंटिफाई किया और डिविजन ऑफ वर्क किया। अब जब हमने डिवाइड किया, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में मान लीजिए मैं एक डेटोल का साबुन, मैंने एग्जांपल दिया था, मैं एक डेटोल का साबुन बनाने जा रहा हूं, तो मुझे क्या चाहिए उसके लिए, मुझे फंक्शन को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि सेल्स डिपार्टमेंट होगा, परचेस डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, इस तरीके से हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में चीजों को बांटेंगे, उसी को कहते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। यानी फंक्शंस के हिसाब से हम क्या करेंगे, ग्रुप को बांटेंगे और काम करवाएंगे। और इसमें क्या होगा, सिर्फ वन प्रोडक्ट, यानी सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं और केस स्टडी में वही प्रॉब्लम होता है जब इस टॉपिक को नहीं समझते हैं, ओके। तो फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब क्या होगा, वन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और किस तरीके से एक ही प्रोडक्ट को के लिए हमने फंक्शन को डिवाइड कर दिया, कि उस प्रोडक्ट को किस कैसे कैसे फंक्शन हमने डिवाइड किया, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेस, मार्केटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट, इस तरीके से हमने अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया। लेकिन प्रोडक्ट क्या था, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं। हाँ, तो दूसरी बात करते हैं हम डिविजनल स्ट्रक्चर की, जब हम बात करते हैं तो वहां पर आता है मल्टी प्रोडक्ट, वहां पर एक प्रोडक्ट नहीं आता, वहां पर बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए मैं एक डेटोल का साबुन बना रहा हूँ, मैं एक मेरी कंपनी जो बाइक भी बना रही है, तो आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल मिलेगा टाटा हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गए, तो वो क्या करते हैं, वो मल्टी प्रोडक्ट में वर्क करते हैं, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट पे कंसंट्रेट नहीं करते, सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आप देखिए टाटा के स्टील, आप देखिए कार भी आ रहे हैं, टाटा मोटर्स, फिर आप टाटा के देख सकते हैं आप लोग सॉल्ट भी आ रहा है, नमक भी आ रहा है, टाटा के इंडस्ट्री बहुत सारे स्टील इंडस्ट्रीज है उन लोगों की, तो अलग अलग डिविजन वो लोग वर्क कर रहे हैं, वही होता है डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। यानी कि एक प्रोडक्ट नहीं है, मल्टी प्रोडक्ट है, उसके लिए वो लोग क्या करते हैं वो हमें समझना है। हर एक प्रोडक्ट के लिए वो लोग क्या करते हैं, फंक्शंस को डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल डेटोल के साबुन के लिए अलग फंक्शंस, कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग फंक्शंस, ये होता है डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो आप ये दोनों समझ गए होंगे, हमने क्या क्या देखा अभी तक, पहले आइडेंटिफाई किया हम लोगों ने, डिविजन ऑफ वर्क किया, बर्डन कम हो गया काम का। सेकेंड हमने उस जो हमने आइडेंटिफाई किया था उसी को हमने अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ओके। और उसके बाद आता थर्ड प्रोसेस, वो है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, असाइनिंग ड्यूटीज, यानी अब हम ड्यूटीज असाइन करेंगे। ड्यूटी असाइन करने का मतलब क्या है, अब हम उन लोगों को छाटेंगे, उन लोगों को निकालेंगे जो इस काम को, जो हमारे जो हमने प्लानिंग किया था उसको परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं, तो और उनको हम ड्यूटीज देंगे। यस, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था एनुअल फंक्शन का, तो हम देखेंगे ये बच्चा डांस अच्छा कर सकता है, इसको डांस में डालेंगे, ये बच्चा सॉन्ग अच्छा गा सकता है, इसको हम सॉन्ग में डालेंगे, ओके, ये बच्चा रिफ्रेशमेंट में बहुत अच्छा है, तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। वैसे ही बिजनेस में भी होता है, बिजनेसमैन क्या करता है, डिवाइड करता है चीजों को और ड्यूटीज असाइन करता है, ओके, प्रोडक्शन का काम ये लोग करेंगे, ओके, लेबर्स इसमें सिलेक्शन, ये लेबर्स इसमें प्रोडक्शन का काम करेंगे, ये हमारे मैनेजर होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सेल्स डिपार्टमेंट में ये होगा जो इस वर्क को करेगा, तो इस तरीके से हम असाइनिंग ड्यूटीज करते हैं। करते क्यों असाइनिंग ड्यूटीज, इसको भी हमें समझना है, ताकि काम बहुत ही अच्छे तरीके से परफेक्ट वे में हो सके। और दूसरा चीज, इसमें जो मेन प्रॉब्लम आता है, जो केस स्टडी के क्वेश्चन आता है, उसमें ये आता है कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता, यानी कि एक काम दो लोग नहीं कर रहे हैं, या फिर दो एक काम चार लोग नहीं कर रहे हैं,
जिसको जिसको जो वर्क मिला है उसको उस वर्क को वो बढ़िया तरीके से करेगा, वो है असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज। और लास्ट में जल्दी से आते हैं एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशन, जो फोर्थ प्रोसेस है, यानी कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बहुत जरूरी है बिजनेस में, यानी कि एक सुपीरियर और सबॉर्डिनेट होना बहुत जरूरी है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन होगा उसका एक फ्लो होना चाहिए। चैप्टर टू में इसका मैं आपको क्वेश्चन भी देना चाहूंगा, चैप्टर टू में हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था फ्यूल्स का, जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो वो आप दिमाग में याद रखिएगा और सोचने की कोशिश करिएगा कि कौन सा प्रिंसिपल की मैं बात कर रहा हूँ। जब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मतलब क्या होता है कि वहां पर एक सुपीरियर होता है और सबॉर्डिनेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सुपीरियर है उसको इन्फॉर्मेशन पास करना है तो उसके नीचे जो सबॉर्डिनेट है उसको वो इन्फॉर्मेशन देगा, फिर जो सबॉर्डिनेट को उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया उसके नीचे जो सबॉर्डिनेट है उसको इन्फॉर्मेशन देगा, और सेम वही प्रोसेस नीचे से ऊपर तक आएगा, नीचे से ऊपर तक आएगा, यानी जो लोअर लेवल में है उसको जो इन्फॉर्मेशन देना है वो मिडिल लेवल को देगा, जो मिडिल लेवल में है जिसको इन्फॉर्मेशन है वो फिर मिडिल लेवल जो है अपने अपर लेवल को देगा। तो ये क्या होगा, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इससे क्या होगा, जब हम सिस्टमेटिक वे में रिपोर्टिंग देंगे तो क्या होगा, इससे वर्क बहुत अच्छे से होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा वहां पर, बढ़िया तरीके से वर्क को सिस्टमेटिक वे में कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, जो भी दिक्कत होंगी उसको हम इजिली बाहर निकाल सकते हैं, और जो हमारा मेन टारगेट था, जो हम जिसके लिए हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, जिसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, उस टारगेट को हम इजिली अचीव कर सकते हैं।